दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूं पवन गोदारा और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि स्कूल लेक्चर एग्जाम इंग्लिश में मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और कौन से नोट्स पढ़े और कौन से गुरुजनों की हेल्प ली। तो दोस्तों एक छोटी सी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अपने हवा बना रखा है कि फर्स्ट ग्रेड बनना तो आसान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे स्टडी मटेरियल और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आसानी से सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समय जाया न करते हुए अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं भी मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और आपको भी ये बुक्स पढ़नी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अपने शॉर्ट में आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ स्कूल लेक्चर इंग्लिश का उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है स्कूल लेक्चर इंग्लिश का वो 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल ग्रामर का, जिसमें आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकेंड पार्ट है लिटरेचर का, जो ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर आएगी उसके भी आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो थर्ड पार्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर का, इसके आपको ओनली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के। अब दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर की बेस्ट बुक्स के बारे में जो मैंने पढ़ी, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बुक दोस्तों मैंने पढ़ी थी रेनन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। इस बुक से आपको दोस्तों हर टॉपिक कवर करना है जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद दोस्तों अगली जो बुक पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी टॉमसन एंड मार्टिनेट की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी बुक पढ़नी है, आपको जो टॉपिक वीक लगे सिर्फ वही पढ़ना है। जैसे मैंने इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का और डिटरमिनर टॉपिक पढ़ा था। अगली बुक दोस्तों मैंने पढ़ी थी एफ टी वुड की, ए रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। इस बुक से भी जरूरी नहीं है कि आप सारी बुक पढ़ोगे, जो वीक टॉपिक आपको लगे वो, प्लस में आपको प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस बुक से पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगली बुक दोस्तों मैंने पढ़ी थी एस ओरंबी की, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश। इसमें दोस्तों सिर्फ मैंने मॉडल्स टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद जो अगली बुक दोस्तों मैंने पढ़ी वो थी आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है वो पढ़ा था, प्लस में आपके जो फर्स्ट पेपर के अंदर एंटोनिम सिनोनिम है वो भी आपको इस बुक से पढ़ने चाहिए। अगली जो बुक मैंने पढ़ी थी दोस्तों वो 11th की थी फेस्टून। इसके जो बैक साइड के अंदर दोस्तों राइटिंग स्किल्स के नाम से एक पोर्शन दे रखा है, वो आपको लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो जरूर इस बुक को पढ़ना आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है दोनों। अगली जो थी वो थी रेनबो, 12th क्लास की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इस बुक्स के भी लास्ट के अंदर आपको क्या है, राइटिंग स्किल के नाम से पोर्शन है, उसमें लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग नोटिस आदि के मतलब हेल्प मिलेगी। और फिर भी आपकी अगर ग्रामर वीक है तो आप क्या कर सकते हो, जी हेल्प सूरतगढ़ के इंग्लिश ग्रामर का जो नोट्स है वो पढ़ सकते हो। अब दोस्तों अपने बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर के अंदर सबसे पहली जो गाइड बता रहा हूँ दोस्तों वो है दक्ष की, बीके रस्तोगी की स्कूल लेक्चर इंग्लिश की जो कंप्लीट गाइड है वो आपको लेकर आनी है। इस बुक से दोस्तों सिर्फ मैंने लिटरेचर पढ़ी थी, आप भी लिटरेचर ही पढ़ना क्योंकि ग्रामर में बहुत इसमें मिस्टेक है, ग्रामर बिल्कुल भी इसमें कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है सुभाष सिहा की, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है और दक्ष वाली के अंदर थोड़ा हिंदी दे रखी है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, जेपीएम पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको लिटरेचर का पोर्शन हर चीज इसमें से पढ़नी है और ग्रामर का भी आप इसमें देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें टेंसेज और प्रेपोजिशन पढ़े थे। इसके बाद अगली जो मैंने जो लिटरेचर के अंदर मैकबेथ मैं स्टैंडर्ड का लेकर आया था, AK Maheshwari का, इसमें क्या हिंदी दे रखी है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, पैराफ्रेजेज भी दे रखे हैं, मीनिंग दे रखे हैं तो थोड़ा समझ में जल्दी आता है। इसके बाद एक स्टैंडर्ड का लेके आया था AJ Likit, ये भी बहुत बढ़िया है, हिंदी दे रखी है इसके अंदर भी। और अगला जो मैं वेंडर ऑफ स्वीट्स के लिए मैंने जो संजीव थी 12th की खुद मेरी क्लास की, तो मैंने वेंडर ऑफ स्वीट्स इसमें से सिर्फ हिंदी पढ़ी थी और समरी वगैरह मैंने जी हेल्प नोट के जो नोट्स है, इन लिटरेचर के जो सारे नोट्स है वो जी हेल्प सूरतगढ़ के पढ़े। मैंने जी हेल्प सूरतगढ़ से कोचिंग ली थी और
टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं वीडियो के माध्यम से जीएल सूरतगढ़ की टीम व श्री एलडी गुरनानी सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझ जैसे नाचीज और एवरेज स्टूडेंट को एक लेक्चरर बना दिया। दोस्तों आप भी जीएल सूरतगढ़ से जुड़ सकते हो, इनके नोट्स है बहुत ही अच्छे नोट्स है और अच्छे इनकी पढ़ाने की जो पद्धति है वो बहुत ही शानदार है। आप इनका ऑफलाइन जुड़ सकते हो और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने सलामत अली खान सर का भी नोट्स पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स थे, जो आज वर्तमान में लेक्चरर है सलामत अली खान सर और वो भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका यूट्यूब चैनल भी है सलामत अली खान सर के नाम से। इसके बाद जो अगला पढ़ा था दोस्तों मैंने साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों लक्की आहूजा की एजुकेशन साइकोलॉजी। इस बुक का खासियत है कि इसकी सिंपल लैंग्वेज है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, तो आपको ये बुक लेकर आनी है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हमें जो एग्जाम है वो इंग्लिश में देना है, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी है। इसके बैक साइड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं हर टॉपिक के, वो आपको इसमें से न पढ़ के आपको पढ़ने अपनी पोथी की एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक आती है उसमें। इस बुक से क्या है दोस्तों, हर टॉपिक के जो बैक प्रीवियस ईयर्स में जो आपने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे। तो आपको पहले कोई भी टॉपिक है वो इसमें से पढ़ना है लक्की आहूजा से, और उसके बाद आपको अपनी पोथी से पढ़ना है। एग्जाम के पास में हो सकता है ये नई आ जाए तो आपको इसको नई लेकर आना एजुकेशन साइकोलॉजी की, क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ है उसके भी इसमें क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। फिर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट करें, मैं अवश्य ही उसका रिप्लाई करूंगा। और भविष्य में आप स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम में सफल होने के लिए जो टिप्स है या स्टडी मटेरियल है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आप भी एक दिन स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम के अंदर सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।